आहिस्ता आहिस्ता खुद भी कोशिश कीजिए अपना हाथ उठाने की। शुक्र करें फैसल माइनर अटैक था, वरना जो आपके शुरू के टेस्ट थे तो हम डर ही गए थे कि पता नहीं क्या हो। लेकिन डॉक्टर साहब मैं फिर भी अपनी राइट साइड फील नहीं कर पा रहा। हाँ तो भाई पैरालिसिस था, मजाक थोड़ी था, टाइम लगता है रिकवरी में। कितना टाइम? ये तो इन पर डिपेंड करता है या फिर इनके इर्द गिर्द के लोगों पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये कि ये अगले एक घंटे में उठ के जॉगिंग करने लगेंगे? खैर ऐसे मुझे भी देखे हैं डॉक्टरों ने, लेकिन भाई अल्लाह ताला के हाथ में है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता और वो चाहे तो सब कुछ हो जाता। बेशक, और मोहब्बत के लिए एक ही बात है। तो ठीक है फैसल, फिर आपने खुद से ट्राई करनी है, हम लोग इर्द गिर्द ना भी हो तो खुद से कोशिश करते रहे, ठीक है? यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, राइट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो जी अम्मी, क्या, कब, कहाँ? अभी अम्मी आप तो बस फोन मिलने का इंतजार कर रही होती हैं कि किसी तरह मुझे डांट लें। जी जी आप पेपर्स बनवा लें, साइन मैं खुद करवा लूंगी। देखिए देखिए मुमताज साहब, ये बहुत जरूरी काम है इसलिए मैंने खुद कॉल किया आपको। हाँ हाँ नाम पता सारी डिटेल मुझे पता है, मैं आकर दे दूंगी आपको। जी 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 निकाल लिया मैंने। ओके ओके जी। अम्मी ये मुमताज साहब वही लॉयर अंकल है ना? खैरियत है, क्या हुआ? मैं तलाक के पेपर्स बनवा रही हूँ। क्या, किसकी तलाक? मरियम और फैसल की। क्या, ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? मैं फैसला कर चुकी हूँ। आपको फैसल की हालत का अंदाजा भी है? अम्मी इस वक्त वो आईसीयू में है। फिलहाल उसके पास कुछ भी नहीं जाएगा, मैं सिर्फ पेपर्स बनवा रही हूँ। अभी नहीं जाएगा लेकिन कभी तो जाएगा ना अम्मी, तो आपके ख्याल में ये खबर उस वक्त खुशखबरी बनकर जाएगी उसके पास? मैं 3 साल से कह रही हूँ ये बात, लेकिन जब भी उसे लाने का सोचा कोई ना कोई ऐसा नुकसान हुआ कि हम लोग जड़ों से हिल गए। और क्या निशानियां चाहिए तुम लोगों को? मुझे अंदाजा है आप ये सब क्यों कर रही हैं। तुम अंदाजे लगाते रहो, मैं ये करके रहूं। और मैं नहीं करने दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। मरियम भाभी बहुत अच्छी लड़की हैं, आप उन्हें उनकी बेबसी और खामोशी की सजा ना दें। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी फारिया जैसी लड़कियां घरों को बसाने वालियां नहीं होती, मैं जानता हूँ। आप उसी को देखकर और ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, है ना? देखो तुम अपने फलसफे अपने पास ही रखो। मैं सब कुछ अपने पास रखूंगा, मगर आप इस ख्याल को भी अपने दिल से निकाल दें। आपको तो चाहिए कि आप जाकर मरियम भाभी को ले आए इस वक्त, ताकि जो बचत हो गई है ना किस्मत से वो भी ना रहे। फैसल को उनकी जरूरत है, फैसल को सहारा चाहिए, उसकी रिकवरी में वक्त लगेगा, 1000 चीजें होती हैं। और फिर जो फैसल की हालत है उसे कौन अपनाएगा? खुदा के वास्ते किसी झूठ पर यकीन ना करें। अगर इस बात की हवा तक फैसल को लग गई ना, पता नहीं क्या हो जाएगा उसके साथ। अब उसे ठीक तो होने दें प्लीज।